हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीडेंट लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 65 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनता हुआ नजर आएगा और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में से स्टॉक में ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में ये स्टॉक 4% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहेगा। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो काफी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जहां पर ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ा दबाव देखने को मिलाएगा। जैसा कि आप अगर इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, 29 रुपए 85 पैसे। 29 रुपए 85 पैसे इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलाएगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 29 रुपए 80 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 32 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 29 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 35 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा, इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।